नमस्कार, प्रॉप गाइड शो पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्रीनिवास राउत। फिलहाल ही सातवें पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी है। इस रिपोर्ट में कमीशन ने उन 48 लाख सरकारी कर्मचारी और 55 लाख पेंशन होल्डर्स लोगों के सैलरी अलाउंस और पेंशन में लगभग 24% की बढ़ोतरी का सिफारिश किया है। और इस बढ़ोतरी की वजह से साल 2016-17 में सरकार के खाते पे लगभग 1 लाख करोड़ का दबाव पड़ेगा। तो क्या होंगे इस रिपोर्ट के प्रभाव भारतीय कंज्यूमर मार्केट और रियल इस्टेट सेक्टर पे, उसके बारे में और ज़्यादा से जानने के लिए हमारे साथ हैं अंकुर धवन, चीफ बिजनेस ऑफिसर रीसेल एट प्रॉप टाइगर। मिस्टर धवन, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो मिस्टर धवन, मेरा पहला सवाल ये है कि सेवेंथ पे कमीशन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो हाउस रेंट अलाउंस की बढ़ोतरी की सिफारिश की है, इससे इनके घर खरीदने की संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, खुशखबरी है। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट के कार्यकर्ता हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, आज के टाइम में उनका जो हाउस का रेंट आता होगा, घर का जो किराया वो पे करते होंगे, वो ज़्यादा होगा कंपेयर अगर हम करते हैं जो आज के टाइम में अलाउंसेस उन्हें मिलते हैं। इस रेंट को एचआरए को बढ़ाने से उनको फ़ायदा ये होगा कि उनको अब टैक्स बेनिफिट ज़्यादा मिल पाएगा, जितना वो पे कर रहे हैं उस पर टैक्स बेनिफिट मिल पाएगा और इससे उनकी सेविंग्स और इनकम बढ़ेगी। अब रही बात की इससे उनको घर खरीदने के लिए क्या वो मिलता है, मुझे लगता नहीं, बिकॉज घर खरीदने के लिए तो ये डिसइंसेंटिव ही है, क्योंकि आज के टाइम एचआरए बढ़ा है, उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम रेंटल पे ही रहें जिससे कि उन्हें टैक्स बेनिफिट मिले। जिन भारतीय शहरों में आबादी 50 लाख या उससे ज़्यादा है, वहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। ग्लोबल स्टैंडर्ड की तुलना में भारत के अधिकतर शहरों में रेंटिंग का प्रचलन कम है, तो क्या इस बढ़ोतरी की वजह से लोगों को अपने घर किराए पे देने को एनकरेजमेंट ज़्यादा मिलेगा? और क्या इस बढ़ोतरी की वजह से किराए बढ़ने के कितने आसार आपको लगते हैं? सर, देखिए, किराया बढ़ना तो बड़ा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर देखें तो भारत में अगर हम 230 मिलियन घर हाउस होल्ड हैं और हम बात कर रहे हैं जो बेनिफिट मिलने वाला है वो 10 मिलियन हाउस होल्ड को, उसमें से भी देखेंगे तो 50% तो पेंशनर हैं जो कि अपने खुद के घर में रहते होंगे, तो उन्हें किराए में रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत एक छोटे सेगमेंट की बात करें जो कि किराए में रहता है और उनको इस हाउसिंग रेंट अलाउंस बढ़ने से बेनिफिट हो रहा है, उनका टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो मेरे को लगता नहीं इससे किराए में कुछ खास बढ़ोतरी होगी। एक क्वेश्चन जो आपने पहले पूछा कि भारत में रेंट पे देने का प्रचलन कम है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे जो रेंट पे देने पे जो आपको बेनिफिट मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, या यील्ड जिसे कहते हैं हम, रेंटल यील्ड, बहुत कम है। भारत में अराउंड 2-3% से ऊपर रेंटल यील्ड आती नहीं, तो उसमें किसी भी किराया जो अपना मकान मालिक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता कि वो किराए पे दे। और रिस्क इंडिया में जो रेंटल लॉज हैं उसमें थोड़ा उसका रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण जो किराए जो मकान मालिक हैं वो किराए पे देना पसंद नहीं करते। तो आई थिंक वो जो एक हमारा इशू है वो इससे सेपरेट है, वो नए रेंटल लॉ के साथ ही फिक्स होगा। क्या आयोग के सिफारिश से घरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और इसकी वजह से क्या दाम में कुछ कमी आ सकती है? दाम में कमी आने का तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं बनता कि कम हो। जैसे कि आपने पूछा एक क्वेश्चन कि क्या घरों के नंबर में बढ़ोतरी होगी, वो तो एक गवर्नमेंट का अलग एक उन्होंने गोल ले रखा है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2021, तो घर तो उन्होंने बनाने ही हैं, पर जिस तरह के घर बनाने हैं वो है अफोर्डेबल सेगमेंट में, और अफोर्डेबल सेगमेंट के बनाने के लिए आई थिंक इस पर्टिकुलर सेवन्थ प्ले कमीशन से कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट हाँ, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में उन्हें घर बढ़ाने हैं, उसके लिए गवर्नमेंट बाकी पॉलिसीज लगाएगी। पे कमीशन ने सबसे न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपये तय किया है, तो क्या डेवलपर्स इन निचले तबके के इनकम वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोगों के लिए घर बनाने के लिए अब सोचेंगे? देखिए, ये जो सेगमेंट आप बात कर रहे हैं मोस्टली रेंट पे रहना पसंद करेगा, क्योंकि 18,000 की जिसकी मंथली सैलरी है वो घर अब खरीदना अफोर्ड नहीं करता। बट एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा है, क्या इस सेगमेंट के लिए घर बनते हैं? हाँ, घर बनते हैं, बट ये सारे घर बनाने वाले मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो आपका हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग है जहाँ पर डेवलपर्स को इन्वॉल्व किया गया है, या फिर आपका यूपी समाजवादी आवास योजना हो गई, या म्हाडा की हाउसिंग हो गई, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वही इस तबके के लिए, जो कि निचले दर की बात कर रहे हैं, उनके लिए घर बनाता है और अफोर्डेबल हाउसिंग योजना बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए साधारण तौर पर लोन पाना आसान होता है, तो क्या इस बढ़ोतरी के बाद डेवलपर्स इन कर्मचारियों को रुझाने की कोशिश में कुछ नई स्कीम या इंसेंटिव लाने का प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, सरकारी कर्मचारियों को लोन मिलना आसान होता है और सेवन्थ पे कमीशन जब लग जाएगा उसके बाद उनकी लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो डेवलपर्स को इस तरह सोचना चाहिए,
उनके लिए स्पेशल स्कीम बनानी चाहिए। पर सरकारी कर्मचारी मैंने देखा है आज के टाइम बहुत समझदार होते हैं, एक डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारी मिलकर के एक साथ जाकर नेगोशिएट करते हैं। ये प्रचलन मैंने सिर्फ मोस्टली देखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में कि वो एक ग्रुप में जाकर नेगोशिएट करते हैं। हमने देखा है कि जैसे आर्मी की हाउसिंग होती है या डिफेंस की हाउसिंग होती है जहाँ पर डेवलपर से अच्छा रेट अच्छी डील नेगोशिएट की जाती है। शुक्रिया मिस्टर धवन हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद श्रीनिवास। आप देखते रहिए हमारा शो। नमस्कार।